लोग किसी अपने को या दूसरे को बैंक को हैक करना चाहते हैं या किसी भी अनदर आदमी आदमी को आप लोग क्या करिएगा कि बैंक हैक करिएगा। लेकिन आप लोगों को उससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि उसका कुछ नहीं ज़्यादा, आप एक मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट में आप लोगों को मोबाइल पता होना चाहिए, सेकंड में अगर ओटीपी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा उपाय मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाएंगे कम लेकिन समझाएंगे ज़्यादा, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आप लोग वीडियो पूरा समझें। क्योंकि एक दोस्त ने मेरे कमेंट किया था कि हाँ सर आप कुछ एक स्पेशल चीज़ दिखाइए, यूनिक चीज़, तो मैं यही चीज़ आपको दिखाऊंगा, यूनिक चीज़ दिखाऊंगा। और इस वीडियो स्पेशल बनाया जा रहा है कि आप लोगों को समझा रहा है कि बैंक को क्या स्टेप बाय स्टेप करना है। तो फर्स्ट मैं बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, लेकिन वो सब तो है ही है, लेकिन ये जो आया है एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पे नियर बाई, ये सब जो सारे जो प्लेटफार्म है ऑनलाइन के प्लेटफार्म, इसमें यह बेनिफिट होता है कि मान लीजिए सपोज डैट अगर एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम, जियो पेमेंट बैंक, ये सब सारे पेमेंट बैंक को एक साइड कीजिए और दूसरे में ले लीजिए मतलब कि फोन पे, गूगल पे, ये सब, चाहे भारत पे जितना यूपीआई पेमेंट है इसको साइड रखिए। अगर ये दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो दोस्तों आप लोग को हम बताएंगे कि ये दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो आप लोगों को सफिशियंट ये बैंक होगा। क्यों? आप लोगों को हैकिंग करने में सबसे ज्यादा मददगार ये बैंक करते हैं, ना कि ये लोग होते हैं ज्वाइंटर, मतलब इससे आपको कनेक्ट कराते हैं, मतलब कि ये जो तो है ही, आप क्या करते हैं कि दो दो चीज यूज कर लेते हैं, फोन पे गूगल पे, अक्सर आजकल फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, लेकिन वो है आपके लिए सिक्योरिटी के लिए। ये में क्या होता है इस ऐप में कि आप लोग क्या करिएगा कि सिम अगर आपके पास है तो ही आप लॉगिन कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज आप पेमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ये बैंक अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें यह चीज फीचर दिया हुआ है कि अगर आप एक बार इसमें लॉगिन कर लिए ओटीपी और मोबाइल नंबर की मदद से तो आपके पास अगर सिम हो या ना हो लेकिन आप पेमेंट कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, लेकर भाग सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या होगा दोस्तों कि फोन पे में अगर आपका पास सिम नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा, रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप लोग ये सब यूज कीजिए और ये नहीं। ये कब कीजिए, मतलब कि आपको चुराने के लिए ये है, इसके लिए ये नहीं है। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ये इलीगल काम है, आप लोग इस्तेमाल करें लेकिन अपने साथ ही करें, मतलब कि फ्रॉड वगैरह सब नहीं करें। और वीडियो में यही बताऊंगा कि आप लोग धोखेदारी बिल्कुल नहीं करें, धोखेदारी से भी बचे, क्योंकि आप सोचिएगा कि मैं खन रहा हूँ माटी और कहीं आप ही ना उलट जाए, तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप लोगों को उलटना नहीं है, किसी को उलटना है। तो आप लोग को कहेंगे कि ये वाला से चुराने में बिल्कुल आसानी है, ये वाला में बहुत रिक्स है, इसमें आप लोगों को यूपीआई पिन डालना होगा, बहुत सारा तामझाम है। लेकिन इसमें कहेंगे दोस्तों, अगर एक बार बंदा आपको दे दिया ना ओटीपी, आप मोबाइल नंबर तो आप जानेंगे, मोबाइल नंबर से डायरेक्ट ओटीपी उसको बैठाइए, एक बार देखिए, लॉग इन कीजिए, बार बार इसमें चेक कीजिए कि क्या है नहीं है स्टेप, इसमें सारा चीज चेक कीजिएगा, बैंक हिस्ट्री, पेमेंट क्या क्या है, इसमें सारा प्रोसेसिंग दिया रहता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तो मैं और क्या होता है ना, फोन पे गूगल पे में आप लोग को सिम लगाना पड़ता है, ओटीपी आता है, लॉगिन करना पड़ता है, फिर बैंक वेरीफाई करना होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और इसमें सिम निकल गया तो फिर सारा चीज डिस्कनेक्टेड हो जाए। लेकिन इसमें अगर दोस्तों एक बार लॉगिन किए तो आपका लाइफ सेट जुगड़ो। तो वीडियो का यही पर्पस था कि आप लोग फोन पे गूगल पे में अक्सर क्या होता है कि सिम से कनेक्ट होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग आप लोग को बात भी बताएंगे, क्योंकि हमने नॉलेज टिप चैनल का नाम रखा है। तो चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए पहले और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर मैं ऐसा ही वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम धीरज कुमार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।